क्या हाल है मेरा लाल। आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं थर्ड सेमेस्टर। फर्स्ट तो मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा कि आप सब लोगों को कोरोना की वजह से सेकेंड सेमेस्टर में डायरेक्ट प्रमोट कर दिया गया। कॉन्ग्रेचुलेशन, आप सेकेंड सेमेस्टर पास कर चुके हैं। ऐसा तो कोरोना की वजह से हुआ है, बट जो भी चल रहा है दुनिया में आपको पता ही है, जो देख रहे हैं आप सब लोग सामने। बेसिकली आज से हम लोग थर्ड सेमेस्टर स्टार्ट कर रहे हैं और थर्ड सेमेस्टर की अब प्रोफेशनली एप्स में वीडियो सारी आएगी और सारा टॉपिक हम लोग थर्ड सेमेस्टर का कवर करेंगे एप्स के अंदर। आपको पता है लक्ष्य पॉलिटेक्निक का ऐप है, उस एप्स के अंदर अब सारी वीडियोज आएंगी, सारे टॉपिक्स की वीडियोज आएंगी और हर अल्टरनेट डेज पे जैसे आपकी क्लासेस चलती थी उस तरह से आपकी वीडियोज आनी स्टार्ट होगी। आज हम लोग इंट्रोडक्शन के बारे में बात कर रहे हैं कि थर्ड सेमेस्टर में जो मैथमेटिक्स आपको पढ़ना है, आपने फर्स्ट और सेकेंड सेमेस्टर हमसे पढ़ा है, बहुत सारे लोग नए जुड़ेंगे हमारे साथ जो थर्ड सेमेस्टर में हमारे साथ जुड़ेंगे, तो बेसिकली आप पहले समझ लीजिए कि थर्ड सेमेस्टर में आपको पढ़ना क्या है और सेकेंड सेमेस्टर या फर्स्ट सेमेस्टर की कौन से टॉपिक की जरूरत आपको यहाँ पे पड़ेगी। ठीक है, तो बेसिकली मैं स्टार्ट कर रहा हूँ थर्ड सेमेस्टर। थर्ड सेमेस्टर अप्लाइड मैथमेटिक्स थर्ड सेमेस्टर। मैं सबसे पहले आपको कॉमन टॉपिक्स के बारे में बता रहा हूँ जो सारे ब्रांचेस को पढ़ना है। तो कुछ टॉपिक इसमें क्या है, मैथ सबका एक नहीं है, ठीक है, इसमें ग्रुप्स बने हुए हैं। जैसे इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर को एक ही टॉपिक पढ़ना है, मैकेनिकल, सिविल और ऑटोमोबाइल को अलग टॉपिक पढ़ना है, बट कुछ कॉमन टॉपिक्स भी हैं। तो सबसे पहले मैं कॉमन टॉपिक्स के बारे में बात कर रहा हूं, ठीक है, समझिएगा कॉमन टॉपिक्स कौन कौन से हैं। जो कॉमन टॉपिक्स सारे ब्रांचेस को हम लोगों को पढ़ना है वो सबसे पहला है इंटीग्रेशन, यानी जो हम लोग थर्ड सेमेस्टर स्टार्ट करेंगे बच्चा वो इंटीग्रेशन से स्टार्ट करेंगे। इंटीग्रेशन इज अ पार्ट ऑफ कैलकुलस, यानी बेसिकली जो कैलकुलस हमने फर्स्ट और सेकेंड सेमेस्टर में जहां पे छोड़ा था, यानी डिफरेंशिएशन तक जब हमने पढ़ा है, तो डिफरेंशिएशन के बाद हम लोग इंटीग्रेशन उसी का टॉपिक है। जो कि मैंने आपको जब भी डिफरेंशिएशन या कैलकुलस का इंट्रोडक्शन दिया तो मैंने बताया है कि कैलकुलस के दो पार्ट होते हैं, एक डिफरेंशिएशन, दूसरा इंटीग्रेशन। तो डिफरेंशिएशन हम लोग फर्स्ट सेकंड में पढ़ चुके हैं, आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो थर्ड सेमेस्टर के कॉमन पेपर सबसे पहला टॉपिक है वो इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में बेसिकली क्या क्या पढ़ना है, इंटीग्रेशन में हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे, पहले इंटीग्रेशन क्या होता है, इसके क्या फॉर्मूलाज हैं, कहाँ इसका यूज होता है, ये बेसिकली क्या कहलाता है, इसका डेफिनेशन क्या होता है, इन सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। दूसरा बेसिक फॉर्मूलाज, जो बेसिक फॉर्मूलाज होते हैं इंटीग्रेशन के अंदर में, उसके बारे में बात करेंगे, उसको सीखेंगे, उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है ये सीखेंगे। और तीसरा है हमारा जो सब्स्टिट्यूशन मेथड, तीसरा जो टॉपिक है हमारा वो सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड से इंटीग्रेशन स्टार्ट होता है, यहां से हम लोग इंटीग्रेट करना सीखते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड है, फिर इंटीग्रेशन यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन। ये जो सब्स्टिट्यूशन है इसके बाद बहुत सारी चीजें सब्स्टिट्यूशन में ही आती है, यानी बेसिकली बहुत बड़ा पार्ट हम लोग को सब्स्टिट्यूशन में पढ़ना है। इस सब्स्टिट्यूशन के अंदर में छोटे छोटे बहुत सारे पार्ट आते हैं, बहुत सारा छोटा छोटा फॉर्मूला यूज करने का तरीका और रूल होता है जो हम लोग सब्स्टिट्यूशन में पढ़ेंगे। तो इसमें बहुत सारे टॉपिक को मैंने एक ही साथ कवर कर लिया सब्स्टिट्यूशन मेथड में बेसिकली। इसके बाद आता है इंटीग्रेशन यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन। इसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे वो पार्शियल फ्रैक्शन का इस्तेमाल करके, पार्शियल फ्रैक्शन हमने फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर में पढ़ा है, पहला टॉपिक है आपका बेसिक मैथमेटिक्स का। तो जो पार्शियल फ्रैक्शन वहां पढ़ा है आपने, उसी पार्शियल फ्रैक्शन का इस्तेमाल करके यहाँ पे इंटीग्रेट करना है। तो कैसे इंटीग्रेट करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन का इस्तेमाल करके, इसको भी पढ़ेंगे हम लोग इसी इंटीग्रेशन के टॉपिक में। उसके बाद है सम स्पेशल इंटीग्रल, यानी कुछ स्पेशल इंटीग्रल्स के फॉर्मूलाज होते हैं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। बेसिकली इसके 9 फॉर्मूला होते हैं, 9 टोटल जो स्पेशल फॉर्मूलाज होता है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और इंटीग्रेशन का लास्ट है डेफिनेट इंटीग्रल्स। डेफिनेट इंटीग्रल्स में भी हमारी टॉपिक्स हैं, डेफिनेट इंटीग्रल्स में भी हम लोग जब जाएंगे तो बात करेंगे। जो भी इंटीग्रेशन हम यहाँ पे पढ़ेंगे उसको फिर हम लोग डेफिनेट इंटीग्रल्स में पढ़ते हैं। ये बेसिकली जो है, ये जो सारा टॉपिक है ये इनडेफिनेट का है, इनडेफिनेट इंटीग्रल्स का टॉपिक है। दो तरह का इंटीग्रल होता है, डेफिनेट और इनडेफिनेट। तो ये इनडेफिनेट का टॉपिक है और ये लास्ट है डेफिनेट। तो ये जितना भी हम लोग यहाँ पढ़ेंगे सबका इस्तेमाल डेफिनेट में ऑलरेडी करेंगे। तो क्या होता है इनडेफिनेट डेफिनेट, जब हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर से बात करेंगे, अभी हम लोग सिलेबस के बारे में बात कर रहे हैं। दूसरा है हमारा AOI क्या है, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, इंटीग्रल का एप्लीकेशन, यानी जो हमने पढ़ा है इसका एप्लीकेशन क्या होगा। क्योंकि हम लोग इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है हमको एप्लीकेशन के बारे में बात करनी है कि उसका इस्तेमाल कहां करेंगे। तो बेसिकली हम लोग इस्तेमाल कहां करेंगे इसके बारे में बात करेंगे, किसमें, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स में। तो सबसे पहला जो है वो एरिया बाउंडेड रीजन, सबसे पहला टॉपिक इसमें हम लोग को पढ़ना है वो है एरिया बाउंडेड रीजन। ये सारे ब्रांचेस के लिए कॉमन है। इसके अलावा
इलेक्ट्रिकल जो एक ग्रुप मैंने बताया इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर, उन लोगों को कुछ और टॉपिक्स पढ़ने हैं। और मैकेनिकल में जब बात करेंगे हम लोग मैकेनिकल सिविल में, तो इसमें भी एओआई का कुछ और टॉपिक्स हम लोगों को पढ़ना है। तो जब हम लोग चैप्टर्स में आएंगे तो बात करेंगे, यानी दोनों को अलग अलग टॉपिक पढ़ना है। कॉमन सिर्फ एक है एरिया बॉन्डेड रीजन, उसके अलावा कुछ डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स है, दोनों को अलग अलग पढ़ने हैं, ठीक है। उसके बाद आता है डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन भी कैलकुलस का ही पार्ट है। कैलकुलस में जैसे हमने कैलकुलस में पहला देखा था लिमिट जो हमने फर्स्ट सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ा, फिर डिफरेंशिएशन जो हमने फर्स्ट सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ा, फिर तीसरा टॉपिक है हमारा कैलकुलस का दैट इज इंटीग्रेशन जो हम लोग थर्ड सेमेस्टर में पढ़ेंगे, और एक चौथा टॉपिक है जिसका नाम है डिफरेंशियल इक्वेशन, ये भी हम लोग थर्ड सेमेस्टर में पढ़ेंगे। तो बेसिकली हमने फर्स्ट सेमेस्टर में कैलकुलस के दो पार्ट पढ़े थे और जो बचे हुए दो पार्ट हैं वो हम लोग थर्ड सेमेस्टर में पढ़ेंगे। उसी में एक है डिफरेंशियल इक्वेशन, ये भी काफी अच्छा टॉपिक है, बड़ा टॉपिक है। इंटीग्रेशन के बाद यही टॉपिक आता है डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डिफरेंशियल इक्वेशन सबको कॉमन पढ़ना है। इसका जो एप्लीकेशन है डिफरेंशियल इक्वेशन का वो फिर मैकेनिकल में अलग हो जाता है, मैकेनिकल सिविल और ऑटोमोबाइल में अलग हो जाता है, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर में अलग हो जाता है। यानी जो इसका एप्लीकेशन है वो दोनों अलग अलग पढ़ेंगे, बट बाकी सारी चीजें जो डिफरेंशियल इक्वेशन में है वो सब में कॉमन है। समझ में आ गया। इसके बाद जो हमारा चौथा टॉपिक है वो है एनएमसीटी। तो एनएमसीटी तो आप पढ़ चुके हैं फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर में, यहां भी एनएमसीटी आपको पढ़ना है थर्ड सेमेस्टर में भी। तो थर्ड सेमेस्टर में भी जब एनएमसीटी स्टार्ट होगा तो आपको पता चलेगा एनएमसीटी में आपको क्या पढ़ना है। वो आपको बेसिकली भारती सर पढ़ाते हैं, तो ये एनएमसीटी आपको भारती सर ही पढ़ाएंगे, ये भारती सर पढ़ाएंगे। और ये भारती सर जब आपको पढ़ाएंगे तो पता चलेगा कि इसमें क्या क्या टॉपिक्स पढ़नी है, भारती सर आपको बताएंगे जब भी उनका वीडियोज आएगा एनएमसीटी का। तो उसके बाद आते हैं, ये तो हो गया कॉमन, इतना चीजें आपको कॉमन पढ़नी है, ठीक है। यानी सारे ब्रांचेस को पढ़ना है, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर मैकेनिकल सिविल ऑटोमोबाइल जितनी भी ब्रांचेस हैं थर्ड सेमेस्टर की सबको ये चीजें कॉमन पढ़नी है। अब हम बात कर रहे हैं कि जो अनकॉमन है, यानी दोनों ग्रुप में अलग अलग है। तो एक ग्रुप जिसमें इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर पढ़ना है, कंप्यूटर वालों को दो टॉपिक अलग पढ़ना है, एक है फोरियर सीरीज और दूसरा है लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन। यानी आप दोनों को इन तीनों ब्रांचेस को दो अलग टॉपिक पढ़नी है। इसके अलावा ये तो आपको पढ़ना है, इसके अलावा आपको दो अलग टॉपिक पढ़नी है, एक है फॉरियर सीरीज और दूसरा है लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन। ये दो टॉपिक आप अलग से पढ़ेंगे, ये टॉपिक मैकेनिकल सिविल वालों को ऑटोमोबाइल वालों को नहीं पढ़ना है, है ना। तो ये टॉपिक हम कौन पढ़ेगा, तो सिर्फ आपको पढ़ना है इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर साइंस वालों को। एंड मैकेनिकल सिविल वालों को जो अलग टॉपिक पढ़ना है, ये तो कॉमन है, मैकेनिकल सिविल को भी पढ़ना है। ये कुछ टॉपिक है जो मैकेनिकल सिविल को अलग पढ़ना है, यानी अनकॉमन टॉपिक है मैकेनिकल सिविल का, उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो ये मैकेनिकल सिविल का जो अनकॉमन टॉपिक है उसमें सबसे पहला आता है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। आपने फर्स्ट सेकेंड सेमेस्टर में प्रोबेबिलिटी पढ़ा होगा, यहां आपको प्रोबेबिलिटी नहीं पढ़ना है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ना है। इट इज जस्ट लाइक स्टैटिस्टिक, स्टैटिस्टिक और प्रोबेबिलिटी का ये कॉम्बिनेशन है। इसमें हम लोग एक टेबल बनाते हैं डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, इसके बारे में बात करेंगे हम लोग। तो इसमें बेसिकली तीन टॉपिक पढ़ना है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर में। उसके अलावा मैकेनिकल सिविल को एओआई का यानी इंटीग्रल के एप्लीकेशन का भी कुछ अलग टॉपिक्स पढ़ने हैं और डिफरेंशियल इक्वेशन के एप्लीकेशन का भी अलग टॉपिक पढ़ना है। इतनी चीजें तो आपको कॉमन पढ़नी है, उसके अलावा मैकेनिकल सिविल को ये अलग से पढ़ना है और इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स वाले को ये दो टॉपिक अलग से पढ़ना है। आपको मैं बता दूं कि ये जितना भी टॉपिक है ये भारती सर पढ़ाएंगे, ये सारा टॉपिक आपको मैं पढ़ाऊंगा, आपको पता है मेरा नाम, तो मैं आपको ये टॉपिक पढ़ाने वाला हूं, ठीक है। ये नाम है, आप जानते होंगे, जो नए बच्चे हैं वो जान ले मेरा नाम, और आप मेरा नाम गूगल करके देख लेंगे, आपको मेरी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, है ना। जो बच्चे पढ़े हैं वो तो जान रहे हैं मेरे बारे में, जो नहीं जानते हैं वो आप गूगल कर लेंगे, आप मेरा नाम लिखेंगे गूगल चाचा पे, सर्च करेंगे गूगल चाचा, आपको मेरी सारी इन्फॉर्मेशन बता देंगे, ठीक है। तो बेसिकली ये सारे टॉपिक्स मैं आपको पढ़ाऊंगा, ये भारती सर पढ़ाएंगे। इसमें से एक टॉपिक आपको भारती सर पढ़ाने वाले हैं, भारती सर पढ़ाएंगे, और ये आपको उज्ज्वल सर पढ़ाएंगे, ठीक है। ये आपको उज्ज्वल सर पढ़ाएंगे और ये भारती सर पढ़ाएंगे। ये बेसिकली ये इन लोगों का ब्रांच पेपर है, तो ये ब्रांच के लोग ही आपको पढ़ाएंगे, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स जिनका ब्रांच है वही पढ़ाएंगे। तो इसलिए लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन बेसिकली इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के ब्रांच टीचर ही पढ़ाते हैं, तो इसलिए उज्ज्वल सर आपको पढ़ाएंगे। बाकी ये मैकेनिकल सिविल, क्योंकि मेरा ब्रांच खुद मैकेनिकल है, मैं मैकेनिकल से एमटेक हूं,
तो मैकेनिकल सिविल का जो भी ब्रांच पेपर है वो एग्जैक्टली मैं पढ़ाऊंगा। तो इसमें जो आपको मैकेनिकल सिविल में बेसिकली पढ़ना है वो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, और साथ साथ एओआई का कुछ और टॉपिक, और डिफरेंशियल इक्वेशन का भी अलग टॉपिक आप लोगों को मैकेनिकल सिविल वालों को पढ़ना है। तो बेसिकली यही हमारा पूरा इंट्रोडक्शन था सिलेबस का। आई होप आपको सिलेबस समझ में आया होगा। और आज हम लोग जो है वो बेसिक जो इंट्रोडक्शन होता है इंटीग्रेशन का वो स्टार्ट करेंगे। तो अभी तक हम लोग सिलेबस के बारे में बात किया, सिलेबस को भी नोट डाउन कर लो, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है इस चीजों को समझ लो। और बुक्स वगैरह की जरूरत आपको नहीं है, अभी आप लॉकडाउन में हो, ऑब्वियसली बात है आप अपने अपने गांव में हो, वहां बुक्स मिलेंगी नहीं, अवेलेबल नहीं होंगी, टेंशन नहीं लेना है। मेरा फेसबुक का पेज आप लाइक कर लोगे, उसमें मैं क्वेश्चंस डेली डालता रहूंगा, जो टॉपिक मैं पढ़ाऊंगा उसका क्वेश्चन वहां अवेलेबल रहेगा। साथ साथ एप्स में भी बुक्स वगैरह सर ने अवेलेबल कराई है, आप वहां से भी बुक्स ले सकते हो। बट मैं आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो मैं कराऊंगा उसका क्वेश्चंस मैं बोर्ड पे भी दे दूंगा बनाने के लिए, और साथ साथ मैं अपने फेसबुक पेज पे क्वेश्चंस अपलोड कर दूंगा, वहां से आप क्वेश्चंस लेके बना सकते हो। आई होप समझ में आ गया होगा सारा चीज, कैसे पढ़ना है क्या पढ़ना है। इत्मीनान रहो, सिलेबस थर्ड सेमेस्टर का विदिन 2-3 months कंप्लीट हो जाएगा। मेरा जो भी टॉपिक है ये आपको रेगुलर वीडियोस आएंगी हर अल्टरनेट में, और ये जो मैकेनिकल सिविल का एक्स्ट्रा टॉपिक है यानी प्रोबेबिलिटी, इसकी वीडियोस में संडे के संडे अपलोड होगी एप्स के अंदर। आप उसको देखें पढ़ें और अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को एप्स के साथ जोड़ें, उनको भी बोलें कि आप एप्स के साथ जुड़ें और जुड़ करके पढ़ें। तो बेसिकली हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं इंटीग्रेशन का इंट्रोडक्शन। तो आइए आज से हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना सिलेबस थर्ड सेमेस्टर का, है ना। तो थर्ड सेमेस्टर में जो हम लोगों को सबसे पहले टॉपिक पढ़नी है वो बेसिकली बात करना है कैलकुलस के बारे में। तो कैलकुलस के बारे में आज हम लोग बेसिकली बात करने वाले हैं, समझिएगा कैलकुलस क्या होता है। तो कैलकुलस क्या होता है ये हमने आपको फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर में बताया था, और आज थर्ड सेमेस्टर में फिर से पढ़ रहे हैं हम लोग कि कैलकुलस क्या होता है, व्हाट इज कैलकुलस। तो बेसिकली कैलकुलस क्या होता है, बोलता है द स्टडी ऑफ चेंज इज नोन एज कैलकुलस। कैलकुलस किसको कहते हैं बच्चा, तो स्टडी ऑफ चेंज, ये जो पूरी दुनिया है ये पूरी दुनिया बदलाव पे टिकी हुई है ना, हर जगह चेंज हो रहा है, बदलाव हो रहा है, तो ये जो चेंज की स्टडी है इसी को बोलते हैं बेसिकली कैलकुलस। कैलकुलस का मतलब होता है द स्टडी ऑफ चेंज। कैलकुलस में बहुत सारी टॉपिक्स आती हैं जो आपने फर्स्ट सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ा है, फिर थर्ड सेमेस्टर में पढ़ेंगे, और आगे कैलकुलस जब तक जिंदगी है तब तक पढ़ते रहिएगा। बेसिकली इंजीनियरिंग जो है वो कैलकुलस ही बेस्ड है, कैलकुलस के इतने एडवांस्ड होने की वजह से ही इंजीनियरिंग इतनी एडवांस हो पाई है, क्योंकि कैलकुलस आपके हर एक ब्रांच पेपर में, आप थर्ड सेमेस्टर में चले गए हैं, ब्रांच पेपर स्टार्ट हो रहा है, तो जब आप ब्रांच पेपर पढ़ेंगे तो लगभग हर ब्रांच पेपर में आपको कहीं ना कहीं पे कैलकुलस का इस्तेमाल आएगा, फॉर्मूला डेरिवेशन में हो या किसी चीज में हो, वो आपको इस्तेमाल होना स्टार्ट हो जाएगा। तो कैलकुलस बेसिकली होता है स्टडी ऑफ चेंज। कैलकुलस का बहुत सारा पार्ट है, लिमिट, डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इंटीग्रल, इंटीग्रल का फिर आपको एप्लीकेशन, उसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन, फिर उसका एप्लीकेशन। बट जो बेसिकली दो सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यानी मेन टू कंसेप्ट जो होते हैं कैलकुलस के वो दो ही होते हैं, दैट इज डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। कैलकुलस बेसिकली डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में ही डिवाइड होता है, इसके अलावा सारे पार्ट डिफरेंशिएशन में आते हैं, बट ये दो कंसेप्ट सबसे मेन कंसेप्ट होता है। तो इन दो कंसेप्ट के बारे में बात कर रहे हैं, ये आप फर्स्ट सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ चुके हो, हम एक बार डिफाइन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चा, मैंने आपको फर्स्ट सेकेंड सेमेस्टर में बताया है कि डिफरेंशिएशन बेसिकली कहते हैं द स्टडी ऑफ हाउ फास्ट Something is changing. कितने स्पीड से किसी चीज में चेंज आ रहा है, किसी भी चीज में कितने स्पीड से चेंज हो रहा है, यानी बेसिकली हम लोग रेट ऑफ चेंज की बात करते हैं। ये जो हम लोग बोल रहे हैं how fast something is changing, इसका मतलब हुआ हम लोग बात कर रहे हैं रेट ऑफ चेंज की। तो बेसिकली डिफरेंशिएशन कहते हैं रेट ऑफ चेंज को, यानी किसी चीज में कितने तेजी से बदलाव आ रहा है, दैट इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। और इंटीग्रेशन क्या होता है जी, आपने बेसिकली बुक्स वगैरह में इंटीग्रेशन का डिफिनेशन सिंपल से पढ़ा होगा कि इंटीग्रेशन जो होता है वो अपोजिट ऑफ डिफरेंशिएशन होता है, बट ये डिफिनेशन नहीं है। आज हम लोग देखेंगे कि इंटीग्रेशन का डिफरेंस जो डिफिनेशन क्या होता है इंटीग्रेशन का। तो बेसिकली इंटीग्रेशन कहते हैं द स्टडी ऑफ हाउ मच समथिंग
इज एक्यूमिलेटिंग, एक्यूमिलेटिंग। ये जो एक्यूमिलेटिंग है इसका मतलब होता है सम अप, सम अप मतलब होता है जुड़ना, एक जगह जुड़ जाना। तो बेसिकली बोलते हैं क्या कि इंटीग्रेशन वैसे स्टडी को कहते हैं जिसमें हम लोग बात करते हैं हाउ मच समथिंग इज एक्यूमिलेटिंग, कितना ज्यादा इकट्ठा हो रहा है। एक्यूमिलेट का मतलब होता है इकट्ठा होना, समअप होना, जुड़ जाना, यानी एक जगह पे कोई चीज कितना ज्यादा इकट्ठा हो रहा है, एक जगह जमा हो रहा है। हाउ मच यानी क्वांटिटी के बारे में बात करते हैं तो कहलाता है इंटीग्रेशन। ये डिफरेंस है इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन में। इंटीग्रेशन कहते हैं हाउ मच समथिंग इज एक्यूमिलेटिंग या समअप, और डिफरेंशिएशन कहते हैं हाउ फास्ट समथिंग इज चेंजिंग, किसी चीज के अंदर में कितने तेजी से चेंज आ रहा है वो डिफरेंशिएशन होता है, और कितना चेंज आ रहा है हाउ मच समथिंग इज एक्यूमिलेटिंग, कितना जमा हो रहा है, दैट इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। अब हम बात करते हैं थोड़ा इसकी हिस्ट्री के बारे में। हम लोग जानते हैं, हम लोग तो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करने आता है, बट थोड़ा उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए, कब आया, कैसे आया, क्या होता है। तो क्या होता है ये तो हमने देख लिया, अब कब आया। ये जो इंटीग्रेशन है ना, ये बहुत पहले आया था, ये 250 बीसी में इंट्रोड्यूस हुआ था। 250 बीसी का मतलब क्या हुआ, 250 साल बिफोर क्राइस्ट। तो क्राइस्ट के 250 साल पहले इंटीग्रेशन आ चुका था, और ये इंटीग्रेशन को इंट्रोड्यूस किया गया था। उस टाइम हम लोग इंटीग्रेशन को इंडिविजुअल इस्तेमाल करते थे। और ये जो मेरा आया डिफरेंशिएशन, ये आया 17th सेंचुरी में ये बेसिकली इंट्रोड्यूस हुआ। अब मुझे बताइए कि कौन पहले आया, इंटीग्रेशन पहले आया या डिफरेंशिएशन पहले आया। तो ऑब्वियसली बात है, ये हम बीसी की बात कर रहे हैं, बिफोर क्राइस्ट, तो ये पहले होगा, यानी इंटीग्रेशन बहुत पहले आया था, क्राइस्ट से भी 250 साल पहले। और उसके बाद जब क्राइस्ट का जन्म हुआ तब से हम लोग जो है उसको सेंचुरीज में गिनते हैं। तो उसके बाद 1700 साल, यानी क्राइस्ट के जन्म के बाद 1600-1700 जो 17 सेंचुरी है, तो 1700 लगभग मान के चलिए, और ये 250 दोनों को जोड़ दीजिए, तो इतने साल के बाद डिफरेंशिएशन आया। और 18 सेंचुरी में जाकर के दोनों के बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश किया गया। उससे पहले 18 सेंचुरी से पहले इंटीग्रेशन अलग पढ़ा जाता था और डिफरेंशिएशन अलग पढ़ा जाता था। जब 18 सेंचुरी में एक साइंटिस्ट ने यह पाया कि डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन एक ही तरह की चीजें हैं, दोनों एक दूसरे का जस्ट अपोजिट है, तब उन्होंने इंट्रोड्यूस किया एक रिलेशन बिटवीन इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन। उन्होंने बताया कि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है, यानी बेसिकली एक दूसरे का चेंज होता है, एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। तो इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे कि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन के बीच में क्या रिलेशन होता है। आई होप ये समझ में आ गया होगा कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन होता क्या है। अब हम लोग बात करेंगे कि इसके अंदर क्या रिलेशन होता है। तो हम लोग बात करते हैं डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के रिलेशन के बारे में। तो मैंने बताया कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के बीच में एक रिलेशन होता है। बोलता है बेसिकली इंटीग्रेशन इज जस्ट अपोजिट ऑफ डिफरेंशिएशन या रेसिप्रोकल्स ऑफ डिफरेंशिएशन, यानी डिफरेंशिएशन का ये जस्ट उल्टा होता है। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो बोलता है कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के बीच में रिलेशन होता है। अगर कोई फंक्शन है, उस फंक्शन को हम डिफरेंशिएट करते हैं, और जो फंक्शन डिफरेंशिएट होकर के आया उसको अगर हम इंटीग्रेट कर देंगे तो फिर से हमको वही फंक्शन मिल जाएगा। यानी बेसिकली ये ऐसा है कि जैसे मान लो कि हमने भात बनाया, ठीक है, तो हमने भात बनाया तो वो डिफरेंशिएशन हो गया, और अगर भात से फिर से चावल बना लेंगे तो वो हो जाता है इंटीग्रेशन। यानी बेसिकली ये क्या है, एक रेसिप्रोकल प्रोसेस है, यानी एक चीज को हमने एक फंक्शन को डिफरेंशिएट किया, कुछ मिला और उसको इंटीग्रेट कर दिया, फिर से वही फंक्शन मिल गया, यानी जस्ट रेसिप्रोकल प्रोसेस है, या इसको हम लोग रिवर्सेबल प्रोसेस भी बोल सकते हैं, या इसको हम लोग अपोजिट भी बोलते हैं। तो एक एग्जांपल देखते हैं और इसे समझते हैं कि क्या रिलेशन है इन दोनों के बीच में। बेसिकली एक एग्जांपल देख रहे हैं, तो उस एग्जांपल देखने से पहले हम एक चीज आपको क्लियर कर देते हैं, इंटीग्रेशन का जो सबसे पहला फॉर्मूला होता है उसके बारे में। इंटीग्रेशन का जो सबसे पहला फॉर्मूला है एक्स का पावर एन डीएक्स। इंटीग्रेशन को बेसिकली हम इस तरह से दिखाते हैं, ये इंटीग्रेशन का नोटेशन है, एक्स का पावर एन डीएक्स, इसको हम लोग डीएक्स दिखाते हैं, जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं, एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं, इसलिए डीएक्स।
तो x का पावर n dx का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है x का पावर n प्लस वन बटा n प्लस वन प्लस c। अब ये c क्या होता है जी, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। फिलहाल हम इतना जानते हैं कि फॉर्मूला, अभी c को आप रहने दीजिए, बेसिकली मानिए कि x का पावर n dx का इंटीग्रेशन x का पावर n प्लस वन बटा n प्लस वन होता है। तो अब इसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, समझिए। सबसे पहले हम एक फंक्शन ले रहे हैं y बराबर x का पावर 5। ये कोई फंक्शन है y बराबर x का पावर 5। आप जानते हैं इसको डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, हम इस फंक्शन को डिफरेंशिएट कर रहे हैं dy by dx। x का पावर 5 का डिफरेंशिएशन क्या होता है बाबू, डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला पढ़े हो x का पावर n, यहां पे कर देते हैं एक, आप डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला पढ़े हो कि x के पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है जी, एन एक्स का पावर एन माइनस वन, ये तो पढ़ा। तो ये जो डिफरेंशिएशन है ये क्या हो जाएगा, 5x का पावर 4। यानी इस फंक्शन को डिफरेंशिएट किया तो हमको ये मिला, क्या मिला, dy by dx 5x का पावर 4। अब ये जो फंक्शन हम लोगों को मिला है डिफरेंशिएट करने के बाद, अगर इस फंक्शन को हम इंटीग्रेट कर दें, यानी 5x का पावर 4 को हम इंटीग्रेट कर देते हैं, 5x के पावर 4 को किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, x के रिस्पेक्ट में, इसलिए हमने लिखा है dx, जिसके रिस्पेक्ट में करते हैं उसको लिखते हैं। अब ये 5 तो कांस्टेंट है बाबू, बाहर निकाल दिए, x का पावर 4 dx। अब मैंने फॉर्मूला बताया आपको, x का पावर n dx का फॉर्मूला x का पावर n प्लस 1 बटा n प्लस 1, तो ये 5 बाहर है, x का पावर 4 है, तो x का पावर 4 प्लस 1 बटा 4 प्लस 1, ये c होगा, बट अभी हम लोग c को कंसीडर नहीं कर रहे हैं, अभी c को रहने दे रहे हैं, ठीक है, हम सिंपल आपको समझा रहे हैं, फिर c के बारे में बताएंगे तो समझाएंगे। अब यहां से देखिए क्या आ गया, 5 × x का पावर 5 बटा 5, 5 से 5 कट गया, बचा क्या मेरे पास, x का पावर 5। अब ये बताओ कि हमने जब इसको x के पावर 5 को डिफरेंशिएट किया था, ये आया, अब ये जो डिफरेंशिएट हुआ था इसको हमने क्या कर दिया, इंटीग्रेट कर दिया, तो फिर से हमको क्या मिल गया, x का पावर 5, यानी वही फंक्शन फिर से वापस मिल गया। तो बोलता है कि अगर कोई फंक्शन को हमने डिफरेंशिएट किया, कुछ आया जो डिफरेंशिएट होकर होके आया उसको इंटीग्रेट कर दिया, फिर से फंक्शन मिल गया, यानी ये क्या होता है, अपोजिट प्रोसेस होता है, रेसिप्रोकल होता है या इररिवर्सिबल होता है, ठीक है। तो ये होता है रिलेशन बिटवीन डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। आगे बात करेंगे इस c के बारे में, ये c क्या है, तो ये c बेसिकली कांस्टेंट होता है, यानी किसी भी फंक्शन को जब हम इंटीग्रेट करते हैं तो उसके साथ एक कांस्टेंट लगाते हैं इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में। इनडेफिनेट में क्या होता है, लिमिट नहीं होता है, सिंपल डिफरेंशिएशन होता है, इसमें लिमिट नहीं होता है, उसको इनडेफिनेट इंटीग्रल कहते हैं। तो बेसिकली इनडेफिनेट इंटीग्रल में हम क्या लगाते हैं, c लगाते हैं, c मतलब कांस्टेंट। अब समझिए कांस्टेंट क्यों लगाते हैं, इसके बारे में बात कर रहे हैं, समझिएगा। अब जैसे ये सेम एग्जांपल, ठीक है, अब अगर मान लो यहां पे x का पावर 5 प्लस 10 होता, x का पावर 5 प्लस 10, इसको हम डिफरेंशिएट करते क्या मिलता है, 5x का पावर 4, पावर आगे मल्टीप्लाई होता, पावर एक घट जाता, और 10 का क्या हो जाता है, 0, 10 का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन क्या होता है जी, 0, तो 0 तो लिखते नहीं है बाबू। अब इसको हम इंटीग्रेट कर रहे हैं 5x का, इसी फंक्शन को इंटीग्रेट कर रहे हैं, देखो यहां पे ये फंक्शन ये था, इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो हमको तो मिला ये x का पावर 5, हमको 10 तो नहीं मिला, तो रिवर्सिबल तो होगा नहीं, ये 10 भी मिलना चाहिए ना यहाँ पे, लेकिन वो 10 मिल नहीं रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है, क्योंकि वो 10 कांस्टेंट है और कांस्टेंट डिफरेंशिएट होकर के 0 हो जा रहा है, इसलिए वो वापस से हमको फंक्शन में नहीं मिल रहा है। तो जब वो वापस से नहीं मिल रहा है तो उसकी जगह पे हम क्या लिख देते हैं, c, यानी कोई ऐसा कांस्टेंट रहा होगा फंक्शन में पहले जो डिफरेंशिएट होके क्या हो गया होगा, 0 हो गया होगा, इसलिए उसकी जगह पे हम c लिखते हैं। c का कंसेप्ट समझ में आ गया सब लोगों को, c क्यों लिखते हैं जी, c इसलिए लिखते हैं क्योंकि कोई कांस्टेंट फंक्शन में रहा होगा जो डिफरेंशिएट होने के बाद 0 हो गया, इसलिए हमको वो पता नहीं चल रहा है, तो जब हम इंटीग्रेट कर रहे हैं इसको तो इसलिए हम लास्ट में क्या लिखते हैं, प्लस c। तो कोई भी इंटीग्रेशन अगर आप डेफिनेट में लिख रहे हो, सिंपल आप इंटीग्रेट कर रहे हो, तो आपको c लिखना नेसेसरी है, आंसर के साथ प्लस c लिखते हैं। तो c का कंसेप्ट आपको समझ में आ गया, c क्यों यूज करते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और कुछ डिफरेंशिएशन के फॉर्मूलाज देखेंगे। अभी हमने जो बात किया वो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन के रिलेशन के बारे में, अब हम लोग आएंगे इंटीग्रेशन के और फॉर्मूलाज देखते हैं। अब हम लोग बात करेंगे
इंटीग्रेशन के सारे फॉर्मूलाज के बारे में। तो हम लोग बेसिकली इंटीग्रेशन के बारे में बात कर रहे हैं और इसके फॉर्मूलाज के बारे में, इंटीग्रेशन और इसके फॉर्मूलाज। तो बच्चा मैंने बताया, जैसा अभी आपको बताया कि इंटीग्रेशन जो होता है, इंटीग्रेशन और डिफ्रेंसिएशन के बीच में रिलेशन होता है। इंटीग्रेशन डिफ्रेंसिएशन का जस्ट अपोजिट होता है या रिवर्स प्रोसेस होता है। तो समझिएगा, फॉर्मूलाज के बारे में बात कर रहे हैं। सबसे पहला फॉर्मूला तो मैंने आपको बता दिया कि x का पावर n dx का इंटीग्रेशन, x के पावर n को x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं, क्या आता है x का पावर n प्लस 1 बटा n प्लस 1 प्लस c। c लगाना कंपलसरी है, सारे में c लगाएंगे, ठीक है। ये तो हो गया पहला फॉर्मूला जो मैं आपको बता चुका हूं। इसके बाद दूसरा, तो हम लोग थोड़ा फॉर्मूला ऐसे समझते हैं जैसे रिवर्स प्रोसेस है वैसे रिवर्स समझते हैं, ठीक है। जैसे फॉर्मूला आपको याद करना बहुत आसान हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। आपने पढ़ा है कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में, पढ़े हो साइन एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में क्या होता है जी, कॉस एक्स होता है। तो हमने ये पढ़ा है कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में कॉस एक्स होता है, उसी तरह से कॉस एक्स का इंटीग्रेशन एक्स के रिस्पेक्ट में। देखो फॉर्मूला याद करने का कुछ नहीं है, कोई झंझट नहीं है, कुछ याद नहीं करना है। कंसेप्ट आपको डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला याद है, इंटीग्रेशन खुद ब खुद याद है। कैसे? तो डिफरेंशिएशन साइन एक्स का होता है कॉस एक्स, तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा जी, साइन एक्स। बस जस्ट उल्टा होता है, साइन एक्स प्लस सी। सी सब में लगाना है और कुछ करना नहीं है आपको। आपको पता है कि साइन एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में कॉस एक्स होता है, तो कॉस एक्स का जो है डीएक्स क्या हो जाएगा, साइन एक्स प्लस सी। इतना आसान है, कुछ करना है। फॉर्मूला हमको पहले से डिफरेंशिएशन का याद है, इंटीग्रेशन के करने के लिए उसको हमने रिवर्स कर दिया और कुछ नहीं। दूसरा, आपने पढ़ा है कि कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है। कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में माइनस साइन एक्स लग जाता है। तो जब हम साइन एक्स को इंटीग्रेट करेंगे साइन एक्स को एक्स के रिस्पेक्ट में, तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा, माइनस कॉस एक्स प्लस सी हो जाएगा, ठीक है। यानी इसी को रिवर्स कर दिया आप, साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो गया, कॉस एक्स, तो माइनस कॉस एक्स प्लस सी हो गया। इसी तरह से जब हम बात करेंगे टैन एक्स का, तो टैन एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में क्या होता है बच्चा, सेक स्क्वायर एक्स। टैन एक्स का क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। तो जब हम सेक स्क्वायर एक्स को इंटीग्रेट करेंगे सेक स्क्वायर एक्स को, देखो जस्ट रिवर्स हो जाता है, टैन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स डिफरेंशिएशन, तो सेक स्क्वायर डीएक्स का इंटीग्रेशन, सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स का जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या हो जाएगा, तो टैन एक्स प्लस सी हो जाएगा, जस्ट रिवर्स हो गया। उसी तरह से हमने पढ़ा था कि सेक एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में होता है सेक एक्स इंटू टैन एक्स। तो जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो सेक एक्स इंटू टैन एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा मेरा क्या, तो सेक एक्स प्लस सी, सेक एक्स प्लस सी हो जाएगा। उसी तरह से हम लोग जब बात करेंगे कॉटेक्स का, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉटेक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या आएगा, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। ये तो आपने पढ़ा है, था ना पिछले सेमेस्टर में। तो कॉटेक्स का माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है, तो इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक स्क्वायर एक्स डीएक्स का क्या हो जाएगा जी, माइनस कॉटेक्स प्लस सी। उसी तरह से आपने पढ़ा होगा कि कॉसेक एक्स डीएक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉटेक्स। उसी तरह से जब हम कॉसेक एक्स इंटू कॉटेक्स को इंटीग्रेट करेंगे तो मेरे पास क्या आएगा, माइनस कॉसेक एक्स प्लस सी। ये बेसिक्स फॉर्मूला है, इसके बाद और फॉर्मूला देखते हैं। पहले इसको छाप लो अच्छे से, और याद करना बहुत आसान है, बस एक चीज याद रखना है, जस्ट रिवर्स होता है ना। देखते हैं आगे, बोलता है जैसे हमने नेक्स्ट फॉर्मूला पढ़ा था डिफरेंशिएशन में, e का पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है जी, e का पावर x, जस्ट वही होता है। तो e का पावर x का इंटीग्रेशन भी क्या हो जाएगा, e का पावर x, सेम होगा, क्योंकि डिफरेंशिएशन में चेंज नहीं होता है तो इंटीग्रेशन भी चेंज नहीं होगा। उसी तरह से हमने पढ़ा है कि log x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या होता है, 1/x। log x का x के रिस्पेक्ट में 1/x होता है, so 1/x dx का इंटीग्रेशन log x प्लस सी होगा। देखो
वन बाई एक्स डीएक्स है तो यहाँ लॉग एक्स प्लस क्या हो गया, सी हो गया। उसी तरह से जब हम बात करेंगे ए के पावर एक्स का, तो ए के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन आपने क्या पढ़ा है, ए का पावर एक्स लॉग ए है ना। लेकिन जब हम ए के पावर एक्स को इंटीग्रेट करेंगे, देखो यहाँ ए का पावर एक्स लॉग ए आया था, बट हम यहाँ ए का पावर एक्स लॉग ए को नहीं कर रहे हैं, इसलिए फॉर्मूला थोड़ा चेंज होगा, हम ए का पावर एक्स को एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो ये एक्स बटा लॉग ए प्लस सी क्या हो गया, ए का पावर एक्स बटा लॉग ए प्लस सी। अब हम लोग फॉर्मूला देखते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं। तो हमने जैसे पढ़ा है कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में होता है, क्या होता है जी, वन बाई रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर पढ़ा है आपने। उसी तरह से जस्ट रिवर्स, हर फॉर्मूला रिवर्स हो जाता है, उसी तरह से अगर कहीं पे वन बाई रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर कहीं पर भी दिया हुआ है, वन बाई रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स, तो हम लोग सिंपल लिखेंगे साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। क्या आ गया, साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। अगर कहीं पे हमारे पास दिया हुआ है टैन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में, क्या होता है, वन बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर। उसी तरह से अगर कहीं पे वन बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर डीएक्स है, तो हम उसके जगह पे क्या लिख देंगे जी, टैन इनवर्स एक्स प्लस सी, जस्ट रिवर्स प्रोसेस। उसी तरह से अगर कहीं पे दिया हुआ है सेक इनवर्स एक्स डीएक्स, तो सेक इनवर्स एक्स का क्या होता है, वन बाई मॉड एक्स रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस वन। उसी तरह से अगर यहाँ पे कहीं पे दिया हुआ वन बाई एक्स रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस वन इस तरह से दिया हुआ है, तो हम इसके जगह पे क्या लिख देंगे, सेक इनवर्स एक्स प्लस सी। ये जस्ट रिवर्स फॉर्मूला होता है सारा, ये रिवर्स फॉर्मूला आपको याद करना है। और ये आज का वीडियो जो बेसिकली इंट्रोडक्शन था, नेक्स्ट जो वीडियो आएगा आपको, नेक्स्ट डे जो हम लोग बात करेंगे, वो बात करेंगे कि इन फॉर्मूला को बेसिक कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, यानी बेसिक क्वेश्चंस इस फॉर्मूला से हम लोग करेंगे। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो के साथ। हर अल्टरनेट डे पे आपके एप्स में वीडियो आएगा, आप एप्स को परचेज कर लें और इसको रेगुलर वीडियो को देखते रहें, सारा सिलेबस आपका कवर हो जाएगा टाइम टू टाइम, क्योंकि अब वीडियोस हर अल्टरनेट डेज मैथ्स की वीडियोस आएगी और जैसे सारे सब्जेक्ट्स की वीडियोस होगी वो आएगी। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।